भारत सरकार और राज्य सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा कोरोना वायरस से बचने के लिए जारी दिशा निर्देशों को लेकर पंचायत राज विभाग द्वारा जारी निर्देशों की पालना में अजमेर जिला परिषद ने भी जागरूकता कार्यक्रम शुरू किए हैं। जिले में वायरस संक्रमण से बचने के लिए क्या करें और क्या न करें के संबंध में योजना अंतर्गत कार्यरत समस्त मजदूरों को जानकारी दी जा रही है। आज अजमेर जिला परिषद सीईओ गजेंद्र सिंह राठौर ने पिसांगन पंचायत समिति की ग्राम पंचायत जेठाना में चल रहे मनरेगा कार्यों का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान मनरेगा श्रमिकों को कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर जानकारी दी गई। सीईओ गजेंद्र सिंह राठौर ने 5-5 के समूह में कार्य करने, श्रमिकों के नियमित स्वास्थ्य परीक्षण करने तथा खांसी जुकाम या बुखार से पीड़ित श्रमिकों को नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर जांच करवाने एवं कार्यस्थल पर मुंह को ढक कर रखने, मास्क लगाने तथा श्रमिकों को समूह में इकट्ठा नहीं होने जैसे दिशा निर्देश दिए। जिला परिषद सीईओ गजेंद्र सिंह राठौर ने निर्देश जारी किए कि मनरेगा कार्यस्थल पर नियमित रूप से श्रमिकों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाए। साथ ही अगर किसी श्रमिक को खांसी बुखार या अन्य कोई बीमारी से ग्रसित पाया जाता है तो उसे तुरंत नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर उसकी जांच करवाई जाए। इस दौरान ग्राम पंचायत जेठाना की ओर से श्रमिकों को मास्क भी उपलब्ध कराए गए। मनरेगा श्रमिकों का इस दौरान थर्मामीटर से स्वास्थ्य परीक्षण भी किया गया। जिला परिषद सीईओ ने इस दौरान कार्यस्थल पर मौजूद श्रमिकों के हाथ धुलवाए एवं उन्हें नियमित रूप से हाथ धोने की सलाह दी। आधा मिनट धोना है जल्दी यार, वो बीमारी जाए था। और घर भी आई राखना है अटे तो एक करनो है, घर भी वही करनो है। डिटॉल साबुन है ना, डिटॉल साबुन या इको जो लिक्विड आवे वो काम करो। इस दौरान एक्शन कबीर अख्तर, एएन रविंद्र जोधावत, ग्राम पंचायत जेठाना के सरपंच पदम छाजेड़, ग्राम विकास अधिकारी शिवराज चौधरी सहित स्वास्थ्य विभाग के कार्मिक मौजूद रहे। कोरोना वायरस को लेकर राज्य सरकार द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, मनरेगा श्रमिक जहां कार्य कर रहे हैं उनको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? विभाग के निर्देश प्राप्त हुए हैं और उनके अनुसार एक तो जब ये एक साथ इनकी उपस्थिति नहीं ली जाए, अलग अलग करके ही इनकी उपस्थिति लेनी है। तो यहाँ पर चूँकि जिले में 5-5 महिलाओं का एक समूह बना के उनसे काम लिया जा रहा है, तो इस प्रकार से इस आदेश की हम पालना कर रहे हैं। दूसरा, इनको बार बार हाथ धोने के लिए कहा जा रहा है, वर्कसाइट पे साबुन की व्यवस्था की गई है और ANM को भी निर्देशित किया गया है कि वो वर्कसाइट पर आके अगर किसी का सर्दी जुकाम खांसी है तो उसको चिन्हित करके उनको वर्कसाइट से पृथक कराए। सर, कोरोना वायरस की जागरूकता के लिए और कुछ आपने कार्य किए हैं जिले में? ट्रेनिंग अभी तो मीटिंग हमारी चल रही है पंचायत समिति लेवल पर, उनमें ये जानकारी दी जा रही है ग्राम सरपंच आदि को, और कुछ हम लीफलेट फ्लैक्स आदि भी तैयार करवा के देने वाले हैं। और आम राय तो यही है लोगों के लिए कि भाई वो मुंह ढक के अगर लेबर हैं तो मुंह ढक के ही काम करें, हाथ धोए बार बार, और वर्क साइट पे इनका जो चिकित्सक सुविधा है वो हम उपलब्ध करा दें। कोरोना वायरस को लेकर जागरूकता के लिए क्या निर्देश जारी किए हैं? कोरोना वायरस को जिस तरह से इस तरह का ये चल रहा है, तो हमने सभी ग्राम पंचायतों में पंचायत समितियों को सबको निर्देशित करके और सभी मेटों को अटेंड करने का उसमें दिया है कि जो भी इस कोरोना वायरस के बारे में लोगों को जागरूकता पैदा करें और इसमें जितनी ज़्यादा हो सके सावधानियाँ बरतें। हमने इनको यही निर्देश दे रखे कि जो 5-5 के ग्रुप में ये कर रहे हैं, तो मेट इनको सुबह आने से पहले एक बार इनको सबका स्वास्थ्य देख ले, प्रथम दृष्टया भाई इसमें क्या कोई खांसी जुकाम इस तरह का है तो उसको तुरंत ANM को करके वहाँ भेज दें। तो बुखार का हमने इनको थर्मामीटर भी यहाँ से PHC उपलब्ध करवा रखे हैं सभी साइट्स पे, कि अगर किसी को बुखार है तो उसको श्रमिकों को नहीं आने दें, खांसी है तो नहीं आने दें, इस तरह से सावधानी रख करके 5-5 के ग्रुप में जो लगा रखे हैं इनमें थोड़ा डिस्टेंस देकर, जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो भी काम चल रहा है हमारा ग्रेवल रोड का, तो ये 5-5 के जो ग्रुप में श्रमिक नियोजित है इसमें हमने थोड़ा गैप दे करके इनको लगाने के लिए कहा है कि भाई जिसमें आपस में इनको कोई वायरस के प्रति इस तरह का कोई नुकसान नहीं हो। और इसमें इनको निर्देशित किया गया है कि भाई जब भी ये लोग आने से पहले या बाथरूम जाएं या खाना खाने से पहले इनको डेटॉल वगैरह के सबको दे रखी है, मेटों को सबको दे रखी है अपने पास किट में, तो जब भी हो तो उनको बाहर से आने से पहले इनका हाथ धुला करके उसके बाद इनको खाना खाने की करें, और जिसको छींक आए इस तरह से आए तो पूछने का इनको स्टाइलिश बता रखा है इस तरह से करें, हाथ से नहीं साफ करें। और जहाँ तक हो सकता है कि भाई इस वायरस से बचने की हम साइड पर लेकर कंट्रोल लगा करके भाई ज़्यादा से ज़्यादा इनको जागरूक करके इस तरह की वो दे रखें। कोरोना वायरस को लेकर ग्राम पंचायत क्या कार्य कर रही है?
हर जो नरेगा कार्य चल रहा है वहाँ पे थर्मामीटर से सबका टेम्परेचर चेक किया जा रहा है, डिटोल से हाथ धुलाए जा रहे हैं, सभी को किट वगैरह वहाँ अवेलेबल करा रखा है, जो किसी के भी कोई खांसी जुकाम होते ही तुरंत प्रभाव से उनको अस्पताल भेजा जा रहा है। थर्मामीटर है आपके पास में? बिल्कुल। मास्क बताएं, थर्मामीटर बताएं। अब ये उंगलियों के बीच में हर साइड पे उपलब्ध, हर साइड पे उपलब्ध। ग्राम पंचायत जेठाना में नरेगा कार्य चल रहा है, ये कौन से साइड है जहाँ कार्य चल रहा है? ये बड़ा तालाब से बनी ग्रेवल सड़क है, इस पे आज 35 लेबर हमने नियोजित की है। यहाँ मेट कौन है? यहाँ मेट मंजू। राज्य सरकार द्वारा कोरोना वायरस को लेकर जागरूकता अभियान को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, क्या मनरेगा श्रमिकों को कोरोना वायरस को लेकर आपने कोई जागरूकता के कार्य कर रहे हैं आप? जी, आज के 3 दिन पहले मैं और सरपंच साहिबान दोनों साइड पर आए थे और इनको कोरोना से संबंधित जो लक्षण होते हैं उसके बारे में हमने इन श्रमिकों को अवगत कराया है, जैसे कि छींक आना, जुकाम, खांसी, गले में खराश, सांस लेने में तकलीफ, ये सब कोरोना वायरस के जो लक्षण हैं हमने इन श्रमिकों को बताया है और इसके लिए हमने मेडिकल किट दिए हुए हैं और श्रमिकों को खाना खाने के बाद, पेशाब करने के बाद साबुन से हाथ धोने के लिए हमने इनको साबुन की व्यवस्था भी मौके पे की हुई है और हमने इनको सब तरह से जागरूक किया है। आपका नाम बताएं? मेरा शिवराज चौधरी, ग्राम विकास अधिकारी जेठाना। कोरोना वायरस को लेकर मनरेगा श्रमिकों को भी जागरूक किया जा रहा है कि वो सतर्कता बरतें। आपकी जो पंचायत है यहाँ पे नरेगा कार्य चल रहा है, आप मेट हो, कोरोना वायरस को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? कोरोना वायरस साफ सफाई के लिए कहना चाहेंगे। आप क्या यहाँ श्रमिक जो काम कर रहे हैं, महिला श्रमिक, पुरुष श्रमिक, क्या इनके मुंह वगैरह ढके हुए हैं? सभी को मुंह ढकने के लिए कहा है। ऐसे बांध के रखे, साबुन से हाथ धो के रखे और अगर खांसी हो तो 1 मीटर की दूरी बनाए रखे, गले में खराश हो, किसी को भी वायरस।